नगर पंचायत कोटा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। नगर पंचायत के 15 वार्डों में से 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने 5 और 1 सीट पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने कब्जा किया है। भाजपा की बहुमत पाने के बाद वार्ड 2 की भाजपा प्रत्याशी अमृता प्रदीप कौशिक का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। भाजपा की अमृता प्रदीप साहू ने अपने निकटतम विरोधियों पर 513 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड 3 से ऊषा बाबा गोस्वामी ने 340 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। नगर में कुल वार्षिक के मुद्दे पर ये दोनों ही पार्षद विरोध में थे और कहीं न कहीं इसका लाभ इन दोनों को मिला है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं बना पाई। इसी वार्ड नंबर 11 से रिद्धि सोना विमल गुप्ता ने छलका की लाज बचा ली। पहले तो मैं अपने वार्ड मेंबरों को जितनी बधाई देती हूँ कि उन्होंने मुझे पसंद किया। जीत के बाद हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे वार्ड में जो भी समस्या है उसको दूर करना। नहीं देखिए, कोटा नगर पंचायत जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हुआ है। कम ज्यादा वोटों से कोई मतलब नहीं होता है, जीत जीत होती है, चाहे एक वोट से जीत हो। और हमारे प्रत्याशी 9 जीते हैं, बहुमत है हमारा। कांग्रेस सरकार में हम लोग 9 जीते हैं, वो 5 जीते हैं। उनको सोचना पड़ेगा और ये कांग्रेस की गलत नीतियों का कारण है। बीजापुर नगर